Hi everyone, I am your teacher for this question. So let me explain the question to you. So the question says, let fx equals to sin x and gx equals to log of mod of x. Okay, if the ranges of the composition function of fog and g of f are r1 and r2 respectively, then okay. So before starting the question, we have to write what is given in this question. Okay, so we are given two function as fx equals to sin x, okay, and gx equals to log of mod x. ओके सो देखिए, वी नो दैट कि सबसे पहले अगर हम निकालें यहाँ पे, अगर हम एफ ओ जी निकालें, ठीक है, सो एफ ओ जी एक्स कितना होता है, एफ ऑफ जी एक्स. ओके, तो यहां से कितना हो जाएगा, एफ ऑफ लॉग ऑफ मॉड एक्स, तो विच इज इक्वल्स टू, यहां से कितना आ जाएगा, साइन ऑफ लॉग ऑफ मॉड एक्स. ठीक है, अब देखिए इसका जो डोमेन है वो तो क्या है, आर है. ठीक है, क्वेश्चन में हमको डोमेन बोला नहीं है, ठीक है, तो इसका डोमेन आर है, लेकिन इसका रेंज, रेंज क्या होगा, बेसिकली ये फंक्शन तो क्या है, साइन का फंक्शन है, और साइन के फंक्शन की वैल्यू कितनी होती है, माइनस वन से वन, तो ये वैल्यू कहां तक हो गई, माइनस वन से लेके वन तक हो गई. ठीक है, ये का वैल्यू कहां तक होगी, माइनस वन से लेके वन तक होगी, क्योंकि साइन फंक्शन है, साइन की रेंज होती है माइनस वन से लेके वन, तो ये हमारा कितना आ गया, आर वन. दूसरा कि वी नो दैट कि जी ओ एफ एक्स ये कितना हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स. ठीक है, सो फ्रॉम हियर इट कम्स आउट टू बी जी ऑफ एफ एक्स यानी कि साइन एक्स. ओके, और विच इज इक्वल्स टू, यहां से कितना आ जाएगा, ओके यहां से कितना आ जाएगा, जी में हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स. ओके, सो देखिए जो साइन एक्स है, जो मॉड ऑफ साइन एक्स है, मोड ऑफ साइन एक्स, ओके ये कहां से कहां तक होता है, ये जीरो से वन तक के बीच में होगा. ठीक है, ये जीरो से लेके वन के बीच में होगा, तो देखिए अगर जीरो से वन के लिए बीच में होगा, तो ये वाली जो वैल्यू है, अगर जीरो पे तो लॉग जीरो कितना होता है, माइनस इन्फिनिटी, जीरो पे तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करता है, और लॉग वन पे किधर टेंड करेगा, जीरो की तरफ. ठीक है, तो जो इसका आर टू है, इसका रेंज कहां से कहां तक हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो. ओके, ये इसका रेंज हो जाएगा. ठीक है, तो यहां से हमारे पास आर वन आ गया, कितना, R1 वन इजकोस टू माइनस वन से लेके प्लस वन, और जो R2 है वो कितना आ गया, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो. ओके, सो एज यू कैन सी विच ऑप्शन इज करेक्ट, जो R1 है, R1 तो कितना आ गया, R1 वन इजकोस टू माइनस वन से लेके प्लस वन, और R2 कितना आ गया, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो. ओके, माइनस वन से लेके प्लस वन, और देखिए क्योंकि फर्स्ट ऑफ फोर में डिफरेंस ये है कि जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो जीरो हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि अगर साइन पाई बाई टू हो जाएगा, तो यानी कि एज यू कैन सी विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर फोर इज करेक्ट. सो दैट वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन, थैंक यू.